आज संबलपुर आईआईएम बहु प्रतीक्षित स्थायी कैंपस शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्चुअल माध्यम रे प्रधानमंत्री दिन 11 समय यार शिलान्यास करेंगे। यह अवसर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान सामिल हेबे एवं केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी, संबलपुर सांसद नीतीश गंगदेव, विधायक जयनारायण मिश्र और रेंगाली विधायक नाउरी नायक उपस्थित रहेंगे। संबलपुर सहर उपखंड बसंतपुर ठारे आईआईएम कैंपस पाए मोट 401,97,00,000 टंकर व्यय अटकल करा जायछि। आसंता 2022 अप्रैल मध्यरे कैंपस काम शेष होबार लक्ष्य रहिछि। संबलपुर रे आईआईएम प्रतिष्ठा दिन ठारु एहा बुर्ला ज्योति बिहार यूनिवर्सिटी स्थित एक अस्थायी कैंपस रे चालुछि। अधिक सूचना पे हम सहित संबलपुर फोन लाइन रे जोड़ी नाम प्रतिनिधि मलय भई। मलय, पूरा अपडेट कौन रही जहाँ सूचना मध्य रही कि आज आईआईएम संबलपुर स्थायी कैंपस शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री एवं जहाँ समय धार्य कर दिन 11 रही तो जेतु कि बहुत दिन प्रतीक्षार अंत आज घटू जे संबलपुर अस्थायी आईआईएम कैंपस बुलाटे स्थायी करने बसंतपुर ठारे एक स्थायी कैंपस शिलान्यास जो थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही शिलान्यास करेंगे। और अंपटे जी कह ए जो जे जे भाग ने केन्द्रमंत्री प्रताप षडंगी, केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और केन्द्र शिक्षा मंत्री मध्ये सामिल हे वर्चुअल माध्यम एमती कि ओडिशार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल एमती कि आईआईएम डायरेक्टर मध्ये उपस्थित रहिबे। किंतु अन्यपटे देखिबा जे ये जो अस्थायी कैंपस बुलाट थिला अनेक असुविधा होता किंतु वर्तमान समय देखिबा जेंति कि अनेक वर्षर प्रतीक्षा थिला। पूर्वर मध्ये आपण जानिथिबे जे आईआईएम पई संबलपुर रे अनेक लड़ाई होता, अनेक प्रयास पर संबलपुर रे गोटे अस्थायी आईआईएम होई पारे थिला। वर्तमान समय जेते गोटे खुशी खबर आसुछि संबलपुर बासिंग पई, सारा पश्चिम बासिंग पई जे ये जो अस्थायी कैंपस स्थायी भावे हेबाक जाउछि और यार जो कार्य जो हेब पाखापाखी ये 2022 सुधा संपूर्ण रूपे बसंतपुर रे ये जो तार कैंपस तैयार हेब ता परवर्ती समय रे एथि अनेक सुविधा सुजोग पाई परबे ले हम जहां वर्तमान समय खबर पाउछु। किंतु अन्य पटे जो आज जो दिन 11 समय छि, दिन 11 समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य वर्चुअल माध्यम रे रहिकि शिलान्यास करिवे। किंतु ए जो अपन जो देखुथिबे एथिरे पाखापाखी 5,000 रु अधिक अतिथि मध्य ऑनलाइन रे उपस्थित रहिबे। काहे किना वर्तमान समय रे कोरोना कटकणा रहिछि, कोरोना कटकणा जेबु एथि अधिक अधिक लोकक समागम न करिकि केवल ऑनलाइन माध्यम रे ताकु करा जइबो, ताकु ने मध्य समस्त प्रकार प्रस्तुति शेष पर्यंत पहुँचिछि। अन्य पटे देखिबा ए जो बसंतपुर जो कैंपस होइछि ए पाखापाखी 401.97 कोटि टंकार व्यय अटकल मूल्य कैंपस तैयार हेबाक जाउछि। आसंता 2022 अप्रैल सुधा वर्तमान समय शेष हो जहाँ सूचना मिली। अंपटे ये जो आप जानते जो ये जो कैंपस पूर्व बुर्ला ठारे अस्थायी विशुट एक अस्थायी कैंपस ठीक और ये शिक्षा प्रदान करतमान समय जेत कि निजर जो स्थायी कैंपस हम ये तो ये आनेक सुविधा सुजोग छात्र मैंने पारे बोले आम आशा कर किंतु निश्चित पक्षे आ कि समय समय अपेक्षा जे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी निजे अनलाइन माध्यम शिलान्यास करेंगे। ता परवर्त समय तो बहुत कम समय भितर ये कैंपस तैयार हो सारापर पुणी ये अनेक सुविधा सुजोग पारे आम आशा कर बड़ कथा हेउछि आज तार शिलान्यास हेब एवं आज दिन 11 वर्चुअल माध्यम रे उद्घाटन करिवे जदि कहबा कि प्रधानमंत्री करिवे। किंतु सबटु बड़ कथा हेउछि आज शिलान्यास हेब अन्य पटे 2022 अप्रैल सुधा सरीब काम निश्चित पक्ष विस्मय देखते बहुत कम समय पाखापाखी वर्तमान तो जनवरी फास्ट हो सारा आज जेहतु कि जनवरी 2 रे शिलान्यास हो 2022 अप्रैल सुधा बहुत कम समय में कैंपस तैयार हो सर से समय उद्घाटन हो समय आम आशा करते बेले ये अस्थायी कैंपस वर्तमान समय चली आप जानते ये अनेक असुविधार समस्या सम्मुखीन होती जो स्थायी कैंपस हे तो निश्चित पक्षे आईआईएम कर्तृपक्ष को आईआईएम जो अच्छा जो मैंने पाठ्यक्रम करके सुविधा सुजोग मिल पार कि देखा वर्तमान समय जो 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 कथा जो आम जो कहे पूर्व आप जानते हैं आईआईएम जिते बेले संबलपुरवासी अनेक लड़ाई करते अनेक लड़ाई पर आईआईएम संबलपुर को आसला आईआईएम समस्त सुविधा सुजोग बर्तमान समय मिल पार कि बहुत कम दिन में ये समस्त ये लड़ाई सफल हो जाए। अंपटे समस्त मन में खुशी हो खुशी लहर खेली जाती है बहुत कम समय आप जानते हैं वर्तमान तो जानवर होगा 2022 अप्रैल सुधा पाखापाखी
15 ରୁ 16 ମାସ ଭିତରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ହୋଇଯିବ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଯେହେତୁକି ଆଜି ଆଜି ଦିନ 11 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଉଛି। ଖବର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି IIM ସମ୍ବଲପୁରର ସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।